7 करोड़ क्यों चाहिए तुम्हें? उधार चुकता करने के लिए। उधार? ये ऐसो है कि हमारी छोटी बिटिया डॉली और हमाओ दमाद मिंटू और हम साथ साथ गोवा घूमने गए। अब वहां जुआ खूब खेली और 7 करोड़ रुपए हार गए। अब वहां के गुंडे अरे गोवा के सब पीछे लग गए। अब ऐसो है कि हमाओ बिटिया और दमाद कहीं जाके छुप गए और हम यहाँ आके छुप गए। अब हमें 7 करोड़ रुपया दे दो तो हम यहाँ से चले जाएं। तो तुम यहाँ छुप कर बैठी हो अपने लेनदारों से? अरे ना ना बिटिया, अरे लेनदार ना है, अरे गिद्ध है। अब देखो, अगर तुम हमें 7 करोड़ रुपया नहीं दोगी तो हम सारी उम्र यहीं तुम्हारे घर में पड़े रहेंगे, और तू कहे तो वो डॉली और मिंटू दोनों को भी यहीं बुलवा ले। हैं? और अगर मैं तुम्हें 7 करोड़ देने की बजाय तुम्हारे इस करतूत के बारे में शौर्य को बता दूं तो? अगर मैं शौर्य को बता दूं कि जिस नानी पर वो जान छिड़कता है असल में तो वो एक फ्रॉड जुआरी है, अगर ये बात मैं बोल दूं ना तो सोचो क्या होगा। सोचो शौर्य तुम्हारे साथ क्या करेगा। या तो वो तुम्हारे 7 करोड़ चुका दे या फिर तुम्हें धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल देगा। बोलो, बोल दूं जाके? नानी की दवा का टाइम हो गया। मुझे शायद माँ और नानी से बात करनी चाहिए, शायद शौर्य मान जाए। ये सही है। तुम हमारे उधार के बारे में लल्ला को बताओ और हम लल्ला को 10 साल पुराने राज के बारे में बता देंगे। ये महकी माँ है। और लल्ला को भी क्यों, पूरी दुनिया को, पुलिस को, सबको बता देंगे कि 10 साल पहले लल्ला ने क्या किया। सोच लो, हम जाएंगे घर से बाहर और सौर लल्ला जाएंगे जेल के अंदर। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, मैं तुम्हारे लिए 7 नहीं 10 करोड़ का इंतजाम करूंगी। लेकिन उसके बाद तुम हमारी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाओगी। नानी, नानी आपकी दवाई का टाइम हो गया। ये पानी।
कन्हैया तो है छोटो सो प्यारो सो लल्ला दे जुग जुग जी। पता है जब शौर्य 19 साल का था ना तब से ये सब इकट्ठा कर रही हूँ उसकी होने वाली पत्नी के लिए। मुझे बहुत खुशी है महक कि वो तुमसे शादी कर रहा है। माँ मुझे पता है आप बहुत परेशान हो। नहीं तो बस वो शौर्य को लेकर बहुत गुस्से वाला है ना वो। जब शौर्य हमारे साथ रहने आया था उसकी माँ की डेथ के बाद तो और भी कहीं ज्यादा गुस्से वाला था। बात बात पर भड़क जाता था। अब तो फिर भी काफी संभल गया है वो। लेकिन क्या माँ? माँ मुझे पता है आप बहुत परेशान हैं। लेकिन कुछ तो है शौर्य के बीते हुए कल में जो आप मुझसे छुपा रहे हो। आपने उस दिन भी कहा था कि मैं शौर्य के बीते हुए कल का साया उस पर कैसे बताऊं तुम्हें कि शौर्य का बीता हुआ कल तुम्हारी माँ के साथ किस तरह जुड़ा हुआ है। जलाए के ड्रामे में आंखें ही फूट गई। कुछ भी साफ ना दिख रहे हो। कन्हैया जी आदमी सचमुच यहां दिख रहे हो या मैं सपना देख रही हूं। नीचे जाके देखना पड़ेगा। हाँ नहीं बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है। नानी के यूं इस तरह अचानक आने से शौर्य को परेशानी हो सकती है। उसको फिर से अपनी बीती बातें याद आएंगी और वो और कोई बात नहीं है बेटा। सच पक्का ना माँ? अगर कुछ भी बात हो कोई भी परेशानी हो आप मुझे बता सकते हो। मैं शौर्य को कुछ नहीं कहूंगी। महक बेटा एक प्रॉमिस कर चाहे कुछ भी हो जाए
तू शौर्य को नहीं छोड़ेगी, हमेशा उसे खुश रखेगी। माँ, ये भी कोई कहने की बात है? मैंने शौर्य को दिल से अपना माना है, फिर चाहे कितनी ही बड़ी आफत क्यों ना आ जाए या भगवान कोई भी इम्तिहान क्यों ना ले ले, मैं शौर्य का साथ अब कभी नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं। मैक मैम, आपके चाचा जी आए। तू जा, मैं अभी आती हूँ। अरे चाचा जी, आप कैसे? मैं खुश। कैसे? जिंदा। खुश हो? हाँ, वो ये आपकी नानी जी अपना मोबाइल फोन हमारे यहाँ भूल आए थे, इसी भी मेरी उनकी मुलाकात नहीं हुई तो उनको बुला भी दे पुत्र। और वो अचानक ही चले आए थे हमारे घर से, सब ठीक तो है ना पुत्र? हाँ हाँ चाचू, सब ठीक है। वो उनकी तबीयत खराब हो गई थी तो इसलिए अचानक घर चले आए, और उनके पीछे पीछे हम लोग भी चले आए, अदरवाइज सब ठीक है। दो बारी चाचू, मैं बस घर ही आने वाली थी, चलिए चलते हैं। जी वही आदमी है जो सौर लल्ला के टाइम जो मुझे दिख रहा है कि मारी आंखन में धुआं घुस गया हो, पता लगानो पड़ेगा। अच्छा पुत्र, अच्छा पुत्र, लल्ला। नानी, नानी आपने दवाई खाई थी ना, तो आपको आराम करना चाहिए। आप यहाँ क्या कर रही हैं? अभी चलिए आराम कीजिए। सर जी गुस्से में होते हैं ना तो फोन तक नहीं उठाते। मैं तो सोची उन्हीं की तरह गुस्सा करना सीख जाऊं। अरे दी, लड़कों की नाराजगी ना 2 मिनट में दूर हो जाती है, लड़कियों को वो सीक्रेट ट्रिक अप्लाई करनी आनी चाहिए। कौन सी ट्रिक? चांद में मेरा चेहरा देखने के बजाय मुझसे बात क्यों नहीं कर लेते? यहां वहां मत देखो, मैं तुम्हारे सामने हूं, आवाज दोगे तो सामने भी आ जाऊंगी। मेरी बिल्ली मुझको म्याऊं, कहां हो तुम? तुम आके ढूंढो मुझे। अरे हाँ हाँ, हाँ हाँ, अरे अरे हम यहाँ झाड़ी में छुपे हैं, अरे मच्छर काटे जा रहे हैं, जल्दी आओ। हाँ, अरे कोई देख लेगा। पूछे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अरे छोड़ो तो सही। देखो हम तुमने लेके आला है, देखो ये, देखो तुम्हारे लिए मिठाई लेके आए हैं, तुम वहां पे गरज रही हो। ये ना, ये ड्रामा बंद कर, मुझे इस घर में वापस लेकर आ। अरे अरे मैं भाई भिखारन, मैं क्या करूं? 2 दिन है तेरे पास, समझ ले। और सिर्फ तुझे ही नहीं, मुझे भी वो राज पता है जिसके दम पे तू उस घर में ऐश फरमा रही है। अगर शौर्य को मैंने सच बता दिया ना,
तो तेरा भी पैकअप कर देगा वो, तुझ पे भी रहम नहीं करेगा। तू याद रख, दो दिन के अंदर मुझे इस घर में वापस ला। जो करना है कर, जैसा प्लानिंग बनाना है प्लानिंग कर, लेकिन मुझे इस घर में वापस ला, समझी? मैं सबको नचाती हूँ और जी मोही नचा रही है। खैर कोई बात ना है, वक्त पड़े पे गधे को बाप बनानो पड़तो है, और जब सही वक्त आएगो इसको कुआं में ढकेल के ऊपर ते मिट्टी भी मैं खुदा ही डालूंगी। जन्म 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 साथ चलना यूही, कसम तुम्हें कसम माँ के मिलना यही, एक जान है भले दो बदन हो जुदा, मेरी होके हमेशा ही रहना कभी ना कहना अलविदा, मेरी सुबह हो तुम्ही और तुम्ही शाम हो, तुम दर्द हो तुम ही आराम हो, मेरी दुआओं से आती है बस सदा, मेरी होके हमेशा ही रहना कभी ना कहना अलविदा। ऐसे तो बहुत भाव खा रहे थे, फोन भी नहीं उठा रहे थे, अब क्यों आ रहे हो मेरे पास? मैं तो हमेशा पास आना चाहता हूँ, पर हमेशा तुमको पता नहीं कोई ना कोई काम याद आ जाता है, इसलिए मुझे थोड़ा सा नाराज होना पड़ता है, ताकि तुम मुझे मनाने के बहाने खुद मेरे पास चली हो। तो अब तो मान गए हो ना? इतनी जल्दी नहीं, थोड़ी और कोशिश करो। सिकोड़ा करो, माथे पर लकीरें पड़ जाएंगी जवानी में। थोड़ी और कोशिश करो और ये टॉपिक मत चेंज करो, समझे? ऐसे ही मुस्कुराते रहा करो ना, आई नो डिफिकल्ट है पर प्लीज खुश रहने की कोशिश किया करो, हम दोनों की ये माए बचपन में ही गुजर गई। मैं जानती हूँ हम दोनों का ही बचपन बहुत कठिन था, दूसरों बच्चों की तरह नहीं था, नॉर्मल सा, लेकिन फिर हम दोनों ने एक दूसरे को पा लिया और अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता शौर, कोई नहीं।
जाना। अरे काहे परेशान हो रही हो श्वेता बिटिया, अरे तुम तो हमारी बेटी की तरह हो। दो दिन के अंदर हम तुमको घर में ले आएंगे। कन्हैया कसम, झूठ ना बोलो, सिर्फ 2 दिन। ये आवाज उस तरफ से आ रही है ना? वरना तेरी कहानी खत्म कर दूंगी।